नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DHD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरह से RJD के नेता श्याम रजक के बयान के बाद अब बिहार का सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है। श्याम रजक ने जिस तरह से कहा कि JDU के 17 विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, इसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रक्रिया जो है वो आने लगी है। हम आपको बता दें कि इसी को लेकर के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी कहा है कि 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बहुत उलटफेर हो सकता है। हालांकि अभी ये कयास हैं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे हैं उस पर अब इस खबर पर तेजी से मुहर लग रही है। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक जी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपने आप में हास्यप्रद है। हमें समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कौन सी पार्टी में शामिल होगा, इसका निर्णय 14 जनवरी के बाद हो जाएगा। श्याम रजक जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कितने विधायक NDA के साथ आने को तैयार बैठे हैं। रही बात 14 जनवरी के बाद जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए कि श्याम रजक जी 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, NDA पूरी तरीके से इंटैक्ट है, हमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और एक चीज बहुत साफ है कि बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हम जनता का काम को बखूबी कर रहे हैं।